बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। योर टीचर शबाना परवीन मलिक इज अगेन हियर। वेलकम टू माय चैनल वॉच टू लीड। ओके, इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आज हम जो सेकंड यूनिट पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, आप पहले वो वीडियो देखें फिर उसके बाद लेसन पे आ जाएं, ठीक है। इस लेसन के अंदर आपको प्री रीडिंग की हेडिंग के अंदर लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट देम, दोनों पिक्चर्स को देख के आपने उनको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है जिसमें हर चीज़ बहुत खूबसूरती से आपको दिखाई गई है। आसमान कलरफुल है, फिर वो पहाड़ हैं आपको नज़र आ रहे हैं, फिर नीचे पानी है ना। एवरी थिंग लुक्स यू नो मैसमराइजिंग काइंड ऑफ ब्यूटी इज यू नो प्रजेंटेड इन द पिक्चर। जबकि इन द वेरी नेक्स्ट पिक्चर क्या है, इसमें पता चलता है कि जैसे कोई अर्थक्वेक या कोई फ्लड या कोई और नेचुरल डिजास्टर यू नो हैज टुक प्लेस एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इट्स इम्पैक्ट। उसके जो आफ्टर मैथ्स होते हैं उसकी पिक्चर यह दिखाई गई है। तो ये आपको क्या चीज़ आपको इससे पता चलती है कि हमारे ऐसे के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है इसके अंदर भी कंपेयर है और कंट्रास्ट है डिफरेंट चीज़ों का। मैंने आपको एक्सपोजिटिव राइटिंग बताई ना क्या होती है, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके अंदर ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट का एलिमेंट भी है। किसमें? एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस मोर टू द लेक, ये जो लेसन है बेटे ये नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के अंदर एक स्टेट है मेन, वहाँ पर दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स लेक्स। बहुत सारी लेक्स हैं, झीलें हैं जिसकी वजह से मशहूर है, तो उन्हीं में से एक झील यहाँ मेन भी है। ओके, द राइटर सेज वन समर अलॉन्ग अबाउट 904 माय फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन मेन एंड टुक अस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। मेरे फादर ने 1904 की बात है, एक कैंप जो था वो किराए पर लिया, रेंट पे हायर किया और हम मेन में चले गए। मेन जो है उस जगह का नाम, वो हम सबको वहाँ पर ले गए मंथ ऑगस्ट के महीने में, ठीक है। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस, थोड़ी सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द वेकेशन वॉज अ सक्सेस, लेकिन हमारी जो छुट्टियाँ थी वो एक परफेक्ट यानी टूअर था, एक मुकम्मल टूअर था। एंड फ्रॉम देन ऑन नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन मेन। उसके बाद से लेकर आज तक हम सब का यह ख्याल है कि दुनिया में कोई और जगह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो मेन की झील थी। वी रिटर्न समर आफ्टर समर, हम हर समर एक के बाद एक समर हम वहाँ जाते थे। ऑलवेज ऑन ऑगस्ट फर्स्ट फॉर द मंथ, वन मंथ, हमेशा फर्स्ट तारीख को ही, अगस्त की जो फर्स्ट तारीख आती थी तो हम वहाँ जाते थे पूरे महीने के लिए। अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ देर पहले की बात है, दिस फीलिंग गो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे ये फीलिंग्स, ये एहसासात मेरे बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स, मैंने कुछ हुक्स खरीदी एंड अ स्पिनर, और एक स्पिनर ख़रीदा जो हुक्स के साथ आगे धागे को लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड रिटर्न टू द लेक, और हम उस झील पर वापस आ गए। वेयर वी यूज्ड टू गो, जहाँ हम जाया करते थे। ये देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये द यूज़ ऑफ वुड, ठीक है। यूज्ड टू गो कहने के बाद फिर हम वुड इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम जाया करते थे। फॉर वीक्स फिशिंग एंड टू रीविजिट ओल्ड प्लेसेस, फिर ये फिशिंग के लिए और अपनी ओल्ड प्लेसेस को रीविजिट करने के लिए मैं वहाँ गया। आई टुक अलॉन्ग माई सन, मैंने अपने बेटे को भी साथ लिया, हु हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर अप हिज नोज, जिसने कभी भी फ्रेश वाटर के अंदर स्विमिंग नहीं की थी। जैसे झील का पानी होता ना, इस तरह के ताज़ा पानियों में उसने कभी स्विमिंग नहीं की थी और पानी कभी उसकी नोज से ऊपर नहीं गया था। हु हैड सीन लिली पॉड्स ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज, और इस तरह के जो लिली पैड्स थे जो झील के पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर एक वो लेयर सी बिछी हुई होती है ना लिली पैड्स की, वो कहता उसने कभी नहीं देखी थी उससे पहले, ट्रेन की विंडोज़ में से देखी थी बट नॉट इन रियलिटी। लिली पैड क्या है बेटे? मेटाफर, मेटाफर वही काइंड ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पैड का पता है आपको क्या मतलब होता है? काइंड ऑफ क्लोथ विच इज़ फैब्रिकेटेड वोवन टुगेदर क्लोजली, गुंदा हुआ बना हुआ कपड़ा। तो ये लिली पैड जो थे उसने उसको मतलब कपड़े की थिक बुनावट को लिली के साथ कंपेयर किया है, काइंड ऑफ कंपैरिजन बट डायरेक्ट, इसलिए मेटाफर है। ओके,
ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, झील में जाते हुए रास्ते में, आई बिगिन टू वंडर वॉट इट वुड बी लाइक. मैं हैरान था कि अब ये झील पता नहीं किस तरह की हो गई होगी. आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मार्ड दिस यूनिक. मैं हैरान था कि पता नहीं वक्त के गुजरने के साथ साथ इस झील के अंदर क्या चेंजेस आए होंगे, उसने शायद इसको तबाह बर्बाद कर दिया होगा, इस यूनिक खूबसूरती को, दिस ब्यूटिफुल स्पॉट, ठीक है, इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को तबाह कर दिया होगा वक्त के मतलब वक्त के साथ साथ. द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, ये वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में उसने पूछी हैं, इनको मार्क कर लीजिए. द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, वो पहाड़ जिनके पीछे सूरज ग़ुरूब होता था, वो छुपी हुई दरख्तों की छाँव में घनी, उनके नीचे जो झील थी, एंड द कैंप्स एंड द पाथ्स बिहाइंड द कैंप्स, वो रास्ता जो कैंप्स के पीछे, जो टेम्प्रोरी कैंप्स वहाँ पे विजिटर्स लगाते थे, उनके पीछे का रास्ता जो था, आई वॉज श्योर दैट द टार्ड रोड फाउंड वुड हैव फाउंड इट आउट, एंड आई वंडर्ड इन वॉट अदर वेज इट वुड बी डेजोलेटेड. अगेन मेटाफर, टार्ड रोड क्या है बेटे? टार्ड इज अ काइंड ऑफ यू नो सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू लेसन द फ्रिक्शन. रोड मेकिंग में ये यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो व्हीकल्स हैं दे कैन मूव यू नो स्मूथली ऑन द रोड, ठीक है, वो आसानी से मूव कर सकें. तो उस इसके यहाँ कहने का मतलब ये है टार्ड रोड का, कि वहाँ पर टार्ड रोड बन चुका होगा, ठीक है, बना हुआ था यानी. और मैं हैरान था कि जब कहीं टार्ड रोड बन जाता है, यानी पक्की सड़क बन जाती है, तो वो जगह डेजोलेट नहीं रहती बल्कि वो पॉपुलेटेड हो जाती है, क्योंकि जब पक्की सड़क बनती है तो फिर कम्युनिकेशन होती है, जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर ट्रेडिंग होती है, जब ट्रेडिंग होती है तो फिर लोग आते हैं, आबाद होते हैं, लोग जाते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, शहरों की तरफ मूव होते हैं, तो वो जगह जो होती है वो डेजोलेटेड नहीं रहती. तो वो यही सोच रहा है कि वहां पर टार्ड रोड बन चुका होगा, जिसकी वजह से वो इलाका अब डेजोलेटेड नहीं रहा होगा. इट इज अ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट दीज प्लेसेस, मतलब इस तरह की जगहों के बारे में आप कितना याद रख सकते हैं, आपके जहन में कितनी चीजें रह सकती हैं. प्लेसेस यू ओके दैट वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रुप्स विच लीड यू बैक. ग्रुप्स मीन्स चैनल्स, मतलब एक दफ़ा आप अपने जहन को खुला छोड़ देते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, तो वो आगे ही आगे निकलता चला जाता है ना. ये एक काइंड ऑफ फ्लो है, फ्लो ऑफ माइंड है, फ्लो ऑफ थॉट्स है, जो आपके जहन में आती रहती हैं और फिर चलती रहती हैं. यू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर थिंग. एक चीज़ आपके दिमाग में आती है, फिर वो आपको अचानक दूसरी और चीज़ याद दिला देती है. आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन मेरा ख्याल है सब यादों में से मेरी एक सबसे जो स्ट्रॉन्ग याद थी, एक जो मजबूत याद थी, जो मेरे जहन में अभी तक उसी तरह थी, वो क्या था? द अर्ली मॉर्निंग्स, सुबह का वक्त, ठीक है, व्हेन द लेक वॉज कूल एंड मोशनलेस, जब झील जो थी वो मतलब इट वॉज द वाटर वॉज अ स्टैगनेंट स्टैटिक नॉट मूविंग, ठीक है, पानी ठहरा हुआ होता था. रिमेंबर्ड मोशनलेस मीन्स ठहरा हुआ जब पानी होता था. रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ लम्बर, तो मुझे याद है कि लम्बर जो है अ काइंड ऑफ वुड, ठीक है, तो कहता उस वक्त बेडरूम के अंदर ये लम्बर की जो गीली हो जाती थी लकड़ी, उसकी आगे आएगा ये वेट वुड का वर्ड, उसके साथ वो जो हट्स थे, वो जो कैंप्स थे, वो गीली लकड़ी की बू से भर जाते थे. इट वॉज मेड ऑफ, ठीक है, वो लंबर वो लकड़ी है जिससे वो कैंप्स बने हुए होते थे. एंड वन ऑफ द वेट, ठीक है, वुड्स हुज सेंट एंटर्ड थ्रू द स्क्रीन. सेंट क्या है? सेंसरी लैंग्वेज रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ स्मेल. तो वो कहता है खिड़कियों के शीशों से अंदर आ जाती थी उसकी स्मेल वेट वुड की, राइट. देन द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम. और वो पार्टीशन, वो पतली सी दीवार जिसके साथ उनको यानी एक एक कैंप के अंदर दूसरे कैंप से अलहदा करने के लिए जो पतली सी दीवार थी, वो ऊपर छत तक भी नहीं जाती थी. तो ऊपर छत में भी स्पेस था, दीवार भी पतली थी, जिसकी वजह से स्मेल भी फैलती थी हर जगह. और प्लस एक और चीज़ होती थी, वो क्या थी? एंड आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अप एंड वुड ड्रेस सॉफ्टली सो एज नॉट टू वेक द अदर्स. तो कहता है मैं सुबह जब उठ जाता था, मेरी आँख खुल जाती थी, मैं सबसे पहले उठता था. और फिर जब मैं कपड़े चेंज करता था तो मैं बहुत आहिस्तगी से कपड़े चेंज करता था, ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो जाए. एंड स्नीक आउट, ये स्नीक का क्या मतलब है? टू मूव स्टिल्थली, टू मूव क्वाइटली,
ठीक है, अवे, तो वो यही कह रहा है कि मैं खामोशी से बाहर निकल जाता था, इन टू द स्वीट आउटडोर्स, ठीक है, बाहर जो जो मौसम बहुत अच्छा होता था ना सुबह के वक्त, आपको पता है, तो वहाँ झील का तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो एंड स्टार्ट आउट इन द कैनो, कैनो क्या है, अ काइंड ऑफ स्मॉल बोट विच इज़ मूव्ड बाय द यू नो ओट्स, ओट्स क्या होते हैं, जो चप्पू आप हाथों से चलाते हैं, तो उस कैनो की कहता है, मैं राइड करता था उसके ऊपर बैठ के, कीपिंग क्लोज अलोंग द शोर, किनारे के साथ ही रहता था, इन द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन्स, पाइन्स के दरख्त जो थे वो किनारे के साथ थे बिल्कुल, तो उनका शेडो अंदर आता था उसके, लेक के पानी के अंदर आता था, वो कहता मैं बस वहीं किनारे के करीब करीब नहीं जाता था, आई हैव नेवर बीन इन टू यू नो डीप वाटर्स, ठीक है, बिकॉज इट माइट हैव बीन रिस्की ओवर देयर, शायद वहाँ को झील गहरी हो तो खतरा हो डूब जाने का, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं जाता था, मैं बस किनारे के साथ साथ ही रहता था. Got it? Okay. In the next paragraph, he says the lake had never been what you would call a wild lake. ये जो झील थी ये कभी भी वाइल्ड नहीं रही थी, मतलब खतरनाक नहीं थी. There were cottages sprinkled around the shore. Sprinkled means ये यहाँ ये नहीं फैले हुए थे, जैसे आप कोई चीज़ स्प्रिंकल करते हैं ना तो वो यूं झटकते हैं तो वो ऑर्डर में नहीं होती, इस तरह वहाँ पे हट्स बने हुए थे, एंड इट वाज इन फार्मिंग, और ये जो थे ये फार्मिंग सिचुएशन में थे, यानी वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, ऑल्दो द शोर ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवली वुडेड, हालांकि वो जो शोर था जो उसका किनारा था वो हैवली वुडेड था, बहुत सारे दरख्त थे वहाँ पे, कोई वो भी होंगे जैसे श्रब्स होती हैं, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी होंगे, उसके बावजूद भी वहाँ के रहने वाले लोगों ने उसको क्लियर किया हुआ था ताकि वो वहाँ पे थोड़ी सी कल्टीवेशन कर लें अपनी ज़रूरत के लिए. सम ऑफ़ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स, और कुछ कॉटेजेस जो वहाँ आसपास रहने वाले किसान थे उनके थे. एंड यू वुड लिव एट द श्योर एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस, और आप किनारे पे रहते थे हट के अंदर, और वहाँ से आप फार्म हाउस से, यानी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट मस्ट हैव बीन देयर, तो वो कहते हैं वी यूज टू टेक आर मील्स फ्रॉम दोज फार्म हाउसेस, ठीक है, हम वहाँ से खाना खाया करते थे, दैट्स वॉट आवर फैमिली डिड, बस ये था जो हमारी फैमिली वहाँ जाके करती थी. आई वॉज राइट अबाउट द टार, अब मैं वह वहीं उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ से पुख्ता सड़क थी, जहाँ पर इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, ये मुझे आधे घंटे की मुसाफत के बाद ये शोर तक जाती थी, यानी शोर से ले आधे घंटे से ये मतलब आधे घंटे तक पक्की रोड थी, फिर आगे अच्छा रास्ता होगा. वेन आई गॉट बैक देयर, जब मैं वहां वापस गया विद माई बॉय, एंड वी सेटल्ड इन टू कैंप नियर अ फार्म हाउस, हम एक कैंप में ठहरे जाकर हमने वहां कायम किया जो फार्म हाउस के करीब था, एंड इन टू द काइंड ऑफ समर टाइम, ये भी गर्मियों का ही वक्त था, आई हैड नोन, आई कुड टेल यू दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीटी मच द सेम एज इट हैड बीन अर्लियर, तो मैं आपको बताता हूं कि ये वैसा ही था जैसे मैं अपने चाइल्डहुड के अपने बचपन के अंदर वहाँ जाया करता था, वहाँ टाइम स्पेंड करता था, तो ये अभी भी मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही था. आई बिगिन टू सस्टेन द इल्यूजन, फिर क्या हुआ, मैं एक इल्यूजन में एक धोखे में मुबतला हो गया, दैट ही वॉज आई, यानी मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी जगह था, एंड देयर फोर बाय सिंपल ट्रांसपोजिशन, और ये सब कैसे हुआ, एक सिंपल ट्रांसपोजिशन मीन्स अ काइंड ऑफ चेंज, अ काइंड ऑफ यू नो फॉर्मेशन, जिसमें कोई एक जगह दूसरी चीज़ की जगह ले लेती है, एक किस्म की तब्दीली, ठीक है, तो वो कहता है ये एक सिंपल ट्रांसपोजिशन के ज़रिए मुमकिन हुआ कि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे की जगह हूँ, मैं अपने बचपन में वापस चला गया हूँ. ओके, इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग, ये कोई नई फीलिंग भी नहीं थी, नया एहसास भी नहीं था, बट इन दिस सेटिंग इट ग्रो मच स्ट्रोंगर, लेकिन इस सीन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर मुझे ये एहसास बहुत शिद्दत से होने लगा, आई सीम्ड टू बी लिविंग अ ड्यूअल एग्जिस्टेंस, मुझे ऐसे लगा कि ड्यूअल एग्जिस्टेंस मीन्स मैं दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ, यानी सेम टाइम में मैं अपना बेटा भी लग रहा था कभी कभी मुझे कि मैं अपने बेटे की जगह हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना फादर हूँ, आई वुड बी इन अ मिडल ऑफ सम सिंपल एक्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एक्ट के दरमियान में हूँ, कभी एट वन टाइम आई नीड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ माई फादर, एंड एट द वेरी नेक्स्ट टाइम आई नीड टू प्ले यू नो द कैरेक्टर ऑफ माई सन, ठीक है, कभी बेटा बन जाता हूँ कभी बाप बन जाता हूँ, आई वुड बी पिकिंग अप अ बेट बॉक्स और लेइंग डाउन अ टेबल फॉर्क, और कभी
मैं जो बेट, आपको पता है ना बेट बॉक्स बेटे क्या होता है, जैसे टिन होता है ना सेवन अप का, मिरिंडा का, कोक का, इसी तरह एक बेट बॉक्स होता है, उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स आप उसकी फॉक की मदद से, जैसे ये कहा ना टेबल फॉक की मदद से आप लपेट कर, तो अपने उसके ऊपर जो होती है आपकी फिशिंग रॉड उसके ऊपर लगाते हैं, फिर उसकी स्मेल से वो जब पानी में डालते हैं तो उसकी स्मेल से मछली आती है, फिर आप उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है मैं वो बेट बॉक्स खोलता था और टेबल फॉक की मदद से उसके ऊपर वो इंसेक्ट्स को चिपका रहा होता था, और आई वुड बी सेइंग समथिंग, या फिर मैं कुछ कह रहा होता था एंड सडनली, और फिर मुझे ऐसा लगता था इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर, कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे फादर हैं, हु वॉज सेइंग द वर्ड्स ऑफ मेकिंग द जेस्टर्स, और कभी वो बातें कर रहे हैं और कभी वो जेस्टर्स अपने, मतलब जैसे वो आप हाथों से बाज़ दफ़ा बाज़ लोग बातें करते हैं ना, तो वो अपना हाथ हिलाते हैं या कोई और बॉडी जेस्टर देते हैं, तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना फादर बन गया और उन्हीं की तरफ मेरी बॉडी मूवमेंट और मेरे जेस्टर्स हैं। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन। अब जब मुझे ऐसा लगने लगा तो मेरे अंदर बहुत एक डरावनी सी, एक बहुत वियर्ड सी, क्रीपी, समथिंग वियर्ड, समथिंग यू नो, समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन, ऐसे कि मुझे एहसास हुए, मुझे फीलिंग्स हुई। क्रीपी कैरेक्टर भी होता है जो जो बहुत नास्टी सा कैरेक्टर होता है, तो मुझे ऐसा ऐसा महसूस होने लगा और मुझे खुद खुद से झुरझुरी सी आने लगी। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली ही मॉर्निंग हम जब फिशिंग के लिए गए, आई फेल्ट द सेम डैम्प मूस कवरिंग द वर्म्स इन द बेट कैन। कहता जैसे मैंने वो उसको खोला तो उसमें से उसके इंसेक्ट्स होते हैं ना अंदर, तो उसकी जैसे ही वो मैंने वो लिड ओपन किया तो उसमें से मुझे उसकी बड़ी स्टिंकी सी उसकी मतलब स्मेल आई ना। ये बेटे कौन सी लैंग्वेज है, सेंसरी लैंग्वेज, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई प्रॉड, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ माई रॉड एज इट हूवर्ड अ फ्यू इंचज फ्रॉम द सर्फस ऑफ द वाटर। तो फौरन ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई आके, तो वो ऊपर अलाइट होना, यानी वो उसने वहाँ मूव करना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट मूविंग एनी वेयर बट यू नो मूविंग इन अ सर्कल ओनली, बहुत लिमिटेड सी जगह पे वो खड़ी थी और वो बार बार उसी जगह पे मूव कर रही थी, जो कि समंदर से उसकी, सॉरी आई एम सॉरी, लेक की सर्फस से कुछ इंचज ऊपर, ठीक है। इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट दैट एवरी थिंग वॉज एज इट ऑलवेज हैड बीन। कहते जब वो जैसे ही ड्रैगन फ्लाई आए तो मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल हर चीज़ वैसे की वैसे ही है जैसे मैंने बचपन में एक्सपीरियंस की थी। द ईयर्स वर आ मिराज। मिराज आपको पता है ना बेटे क्या होता है, अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, सराब जिसको कहते हैं, नज़र का धोखा। जैसे आप ट्रैवल करते हैं ना बाय कार, आप ट्रैवल करें अगर तो दिन की रोशनी में दोपहर के वक्त, तो वो आपको लगे कि रोड के ऊपर पानी है, कुछ चमकता होता है ना, बट इट सीम्स दैट इट इज़ वाटर बट इट्स नॉट इन रियलिटी, बल्कि ये तो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो उसको मिराज कहते हैं। तो वो कहता मुझे ऐसे लगा ईयर्स वर मिराज, जो ईयर्स गुजर चुके हैं, जो पास्ट टाइम गुजर चुका है, वो तो धोखा है, मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं अपने बचपन में ही हूँ अभी, तो कोई टाइम नहीं गुजरा। एंड देयर हैड बी नो ईयर्स, कोई टाइम नहीं गुजरा अभी। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, वैसी ही लहरें थी। चेकिंग द रो बोट अंडर द चिन एज वी फिश एट एंकर, जब हम एंकर पे फिश पकड़ने के लिए गए तो वो वैसे ही छोटी छोटी लहरें उठ रही थी, उनके ऊपर हमारी बोट मूव कर रही थी। एंड द बोट वॉज द सेम बोट, और हमारी कश्ती भी वही थी, पुरानी वाली बोट थी हमारी। ओके, सेम कलर, ठीक है, और उसका कलर भी वही था ग्रीन। एंड द रिब्स ब्रोकन इन सेम प्लेसेस। रिब्स ब्रोकन मीन्स बेटे क्या, ये अब अभी हम सेंटेंस पूरा करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा किसका क्या मतलब है। एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स द सेम फ्रेश वाटर लीविंग्स एंड डेब्रिसेस। डेब्रिसेस क्या होते हैं, रिमेनिंग्स ऑफ समथिंग, ठीक है, विच हैज बिन डिकेड, जो चीज़ गल सड़ गई हो उसकी बाकियात। अब देखो ये रिब्स ब्रोकन और डेबरस, ये आपको एक आइडिया देता है, क्योंकि उसने बताया है कि द वाटर इन द लेक वॉज वेरी क्लियर, इट वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, है ना, ये मैंने सिमिली यूज़ की है, एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो जब इतना क्लियर पानी होता है तो फिर उसके नीचे जो भी वॉट एवर इज गॉन इन टू द डीप वाटर्स इट इज़ विजिबल, आप ऊपर से देख सकते हैं क्या है। तो वो उसमें जो शायद जानवर वहाँ पे जो मर मर गए होंगे, गल सड़ गए होंगे वो, और जो कोई चीज़ उसमें डूब गई होगी, कोई कभी शिप्स डूबे हुए होंगे, तो वो उनकी जो बाकियात थी, जो उनकी रिमेनिंग थिंग्स थी, वो उसमें से आसानी से ऊपर से देखी जा सकती थी, ठीक है। इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते क्योंकि ये है ना लिटरेचर है, तो आप
अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, ठीक है। वी कॉच टू फिश, हमने दो मछलियाँ पकड़ी। व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच, हम उससे लंच से पहले पहले वापस आ गए अपने स्विम से, मतलब अपना स्विमिंग करने से के बाद। द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट, लेक वहीं थी जहाँ उसने होना था। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, बिल्कुल उतने ही इंचेस अवे। देखो डिटेल्स है, मैंने आपको बताया एक्सपोजिटिव राइटिंग में हम क्या करते हैं, वी डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल। एंड देयर वॉज ओनली द मीरेस्ट सजेशन ऑफ ब्रीज, और मीरेस्ट मीन्स वेरी स्लाइट मूवमेंट ऑफ 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 एयर, यानी बहुत हल्की सी हवा चल रही थी, इतनी माइन्यूट कि आप उसको शायद फील भी ना कर सके। दिस सीम्ड एन अटरली एनचेंटेड सी, एनचेंटेड मीन्स आपको पता है ना एनचेंटेड प्लेसेस कौन सी होती हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं ना जहाँ पे भूत परीत का साया है, वहाँ पे जिन जिन परियाँ रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उन जगहों के बारे में बस ये स्टोरीज फेमस हो जाती हैं कि ये एनचेंटेड है, इसके ऊपर जादू हुआ हुआ है। तो वो कहता वो जो समंदर वो उस वक्त नज़ारा था वो बिल्कुल एक एनचेंटेड सी का नज़ारा पेश कर रहा था। ओके देन अगेन मेटाफर है, दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड केम बैक, आप अगर कुछ देर के लिए छोड़ के आप वहाँ वापस जाएँ तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी। एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टिर्ड, कि उसमें ज़रा सा भी इरताश पैदा नहीं हुआ। इरताश फॉर स्ट्रेड, स्ट्रेड का मतलब आपको पता है ना, आप व्हेन यू पोर समथिंग यू नो लेट्स से शुगर इन द वाटर एंड यू स्टिर इट विद अ स्पून, है ना, इन ऑर्डर टू मिक्स इट, आप चीनी डालते हैं ग्लास में फिर चमचे से हिलाते हैं, इसको आप स्टिर कर रहे होते हैं, तो वो कहता है इसमें ये स्टिर नहीं होता था, इसका पानी झील का स्टेटिक रहता था, स्टैगनेंट, ठीक है। दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर, लेक को कहा है उसने कि ये इसका जो पानी था वो हमेशा मतलब ठहराव है, उस ये बताना चाह रहा है कि झील के पानी में ठहराव था। अ स्कूल ऑफ फिश स्वैम बाय, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल तो बच्चों का होता है बेटे, ये फिश का स्कूल कैसे हो गया, अगेन मेटाफर है। ईच फिश विद इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शेडो डबलिंग द अटेंडेंस, वो कहता है कि चूंकि पानी बहुत क्लियर था इसलिए जो पानी के ऊपर मछली तैर रही थी उसके शेडो की वजह से उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था दो मछलियाँ तैर रही हैं, तो वो जो उनकी जितनी तादाद थी वो उस तादाद से कहीं ज़्यादा वहाँ पे लग रहा था कि मछलियाँ मौजूद हैं। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, सनलाइट की वजह से और भी ज़्यादा साफ पानी की तह नीचे तक नज़र आ रही थी, तो मछलियों की तादाद में ऐसा लग रहा था बहुत इजाफा हो गया, लेकिन वो इजाफा नहीं था, वो उसके उनके शेडो था। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कुछ कैंपर्स जो थे वो स्विमिंग कर रहे थे अलॉन्ग द शोर किनारे के साथ साथ। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, अगेन काइंड ऑफ कंपेरिजन, केक ऑफ सोप में भी उसने कहा है वो हो सकता है कोई सोपी किस्म की कोई लिक्विड वो उन्होंने लिया उसके साथ वो कर रहे हो, तो वो वहाँ पे वो झाग सा बन गया, और मे बी वो जो वेव्स होती हैं ना उनकी वजह से थोड़ा जब पानी मूव करता है या आप पानी में इवन बार बार हाथ ही मारते हैं ना तो भी वहाँ पे वो कुछ थोड़े बबल्स से बनते हैं, तो शायद उसने उनको वो बबल्स कहा है। एंड द वाटर वाटर लेफ्ट थिन एंड क्लियर एंड इन सब्सटेंशियल, इन सब्सटेंशियल का मतलब बेटे क्या होता है, विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंस, सुपरफिशियल किस्म की कोई चीज़, तो यहाँ उसके कहने का मतलब ये है कि पानी बहुत क्लियर था, ठीक है, और बहुत साफ था। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, जॉलिटी मीन्स अ स्टेट ऑफ बींग जॉली, मैरी मेकिंग, खुश, प्लेजेंट मूड, तो वहाँ पर वो एनवायरनमेंट के बारे में जब बता रहा है तो वो कहता है इट वाज अ सीरेन पीसफुल यू नो एनवायरनमेंट, अ काइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल इन द एनवायरनमेंट, एक एक किस्म की गहरा सुकून और खामोशी दैट गिव्स यू मेंटल पीस, इस तरह की खामोशी वहाँ पर छाई हुई थी और सुकून था। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ, क्या अब ये बेटे वो चीज़ें हैं जो आपने पीछे कॉलम में फिलअप करनी है कि वहाँ क्या चेंज था, रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस, अब ये एन अनफेमिलियर नर्वस साउंड, अनफेमिलियर एंड नर्वस, ये क्या कौन से वर्ड्स हैं, सेंसरी लैंग्वेज, किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ हेयरिंग से। ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स, जो वहाँ पर मोटर्स थी, आउटबोर्ड मोटर्स जो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक आई थिंक वो होती है ना मोटर, तो वो अब उन्होंने वो वहाँ पर आ गई थी, पहले वो नहीं हुआ करती थी, तो उनकी वजह से वहाँ पर शोर था जो बहुत अनप्लेजेंट था। दिस वॉज द नोट दैट जॉर्ड, कहता इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था, मैं परेशान हो गया था इसको देखकर।
द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन, कहता है इस शोर की वजह से मैं वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड में था ना, जैसे मैं सोचता चला जा रहा था, मेरी सोचों का ताना बाना तोड़ देता था ये शोर, मेरे इल्यूजन को, जिस शराब में मैं मुबतला था उसको ये तोड़ देता था, मेरा जो वो है शराब की जो कैफियत थी वो ख़त्म हो जाती, एंड सेट द ईयर्स मूविंग, और मुझे लगता था कि टाइम गुजर चुका हुआ है, मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ, वो पास्ट की बातें हैं। इन दोज अदर समर टाइम्स ऑल मोटर्स वर इन बोर्ड, उस वक़्त जो कश्तियाँ होती थी वो इन बोर्ड होती थी, अब आउट बोर्ड हैं, ठीक है। एंड एंड वेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस, और जब वो ज़रा फासले से उनकी आवाज़ आती थी, तब नॉइस दे मेड वॉज अ सीडेटिव। सीडेटिव मीन्स दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड इट ब्रिंग्स यू टू स्लीप, ठीक है, इट ब्रिंग्स यू नो इट मेक्स यू टू स्लीप, ये आप जो जो नींद की कैफियत, ड्राउजीनेस आप पे तारी करता है, उस किस्म का यानी ऐसा शोर जो सुकून देता है, सिडेटिव किस्म का उस वक्त होता था। एंड एंड इंग्रीडियंट ऑफ समर स्लीप, हाँ कहता है वो जो आपको गर्मियों में गहरी नींद सुला देता है वो शोर उस किस्म का होता था पहले, अब नहीं है। देयर वर वन सिलेंडर एंड टू सिलेंडर इंजन, ठीक है, वन सिलेंडर टू सिलेंडर इंजन होते थे, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, लेकिन वो हर तरफ लेक के एक जैसी साउंड जो कि बहुत पीसफुल थी वो पैदा करते थे। ओके, बट दे ऑल मेड राइट द वन लंगर्स थ्रॉब्ड एंड फ्लटर्ड एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पर्ड एंड पर्ड, ये बेटे साउंड है, अगेन सेंसरी लैंग्वेज रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ हेयरिंग, वो कहता है ये पर्ड पर्ड की साउंड ये प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जो जिस जो 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 आदमी को थ्रॉप करती थी, उसको जैसे हिला देती थी, उसके लिए इरीटेटिंग था ये, एंड दैट वॉज अ क्वाइट साउंड टू, ठीक है, और मतलब ही डजन लाइक द साइन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडर्न बोर्ड्स, बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउट बोर्ड्स, अब जितने भी कैंपर्स थे वो अपनी आउट बोर्ड्स के साथ आते थे, वो काइंड ऑफ अ मशीन है ना जो उसके साथ लगा देते हैं तो वो फिर भागती है, आपने देखी होगी ना, ये जो बायकिंग है जो पानी के अंदर मोटर बोट्स भागती हैं। ओके, इन द डे टाइम, फिर दिन में क्या होता था, इन द हॉट मॉर्निंग्स दीज मोटर्स मेड अ पेस्टुलेंट इरिटेबल साउंड, बहुत ही गंदी आवाज़ जो आपको बहुत इरिटेट करती है वो पैदा करती थी। एट नाइट इन द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टर ग्लो लिट द वाटर, आफ्टर ग्लो मीन्स चमक आ जाती थी पानी के ऊपर, क्योंकि सूरज ग्रूब हो रहा होता था उसका शेडो आता था। ओके, द वाइंड बोट दे वाइंड अबाउट वंस ईयर्स लाइक मस्कीटोज, अगेन सिमिली है, वाइंड मीन्स वैसे तो होता है बेटे मॉर्न करना, व्हेन समवन डाइज पीपल मॉर्न मॉर्न यू नो ओवर हिज डेथ, जब वो मर जाता है तो उसकी मौत पे लोग मातम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ कीजिए, मतलब कि वो उनकी आवाज़ इतनी वो कह रहा है अनप्लेजेंट थी जैसे कोई मातम कर रहा हो, और मच्छर ऐसे गुजरते थे कानों के पास से भी करते हुए, बजिंग साउंड बनाते हुए, मतलब ये ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस है विच ही डजन लाइक एट ऑल, ठीक है, इरीटेशन है, वो कहता है आप ये वहाँ पर जो पैदा हो गई है जो पहले नहीं थी। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप, बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा वहाँ पर, द सन शोन एंडलेसली, ऐसा लगता था कि सूरज हमेशा चमकता ही रहेगा डे आफ्टर डे हमेशा। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट, हम रात को थक जाते थे, एंड लाई डाउन इन इन द एक्यूमुलेटेड हीट ऑफ द लिटिल बेडरूम्स, एक्यूमुलेटेड मीन्स जो एक जगह पर हीट इकट्ठी हो गई हो, उसने शायद बेडरूम की ही लिमिटेड सराउंडिंग के बारे में कहा है। आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे, गर्म दिन गुजारने के बाद, एंड द ब्रीज वुड स्टिर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली और आउटसाइड, कहते हैं इतनी खामोशी से हवा चलती थी कि हमें फील भी नहीं होती थी, एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम्प ड्रिफ्ट, स्वैम्प ड्रिफ्ट क्या होती है आपको पता है ना, जो जहाँ पे लेक होती है वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, तो उस वाटर टेबल के ऊपर आ जाने की वजह से वो मिट्टी नरम हो जाती है ना, वहाँ पे स्वैम्प बन जाती है, मार्शी लैंड हो जाती है वो, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, तो वो कहता है रस्टी स्क्रीन्स के ज़रिए वो जो खिड़कियाँ होती थी शीशे की वो भी सारी रस्टी, क्योंकि वहाँ पे वो जो होती है ना व्हाट यू कॉल इट, नमी होती है हवा के अंदर, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से जंग आ जाता है, तो उस जंग आलूद खिड़कियों में से उसकी स्वयं की बू अंदर आया करती थी। स्लीप वुड कम इजिली, नींद आसानी से आ जाती थी। इन द मॉर्निंग द रेड स्क्विरल वहाँ पर आती थी और क्या करती थी, वुड बी ऑन द रूफ टैपिंग आउट हिज
हिज हैप्पी रूटीन। तो वो अपनी चूंच को आगे ना जब हार्ड सरफेस पे मारती है अपनी अपने मुंह को, तो टिक टिक की आवाज़ पैदा होती है। तो वो कहता है वो हमें सुबह सुबह उठाने के लिए आ जाती थी। आई कैट रिमेम्बरिंग एवरी थिंग लेइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह जब मेरी आंख खुलती थी मैं बेड पर लेटा रहता था और अपनी मेमरीज को रिकॉल करता था अपनी पास्ट की। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। किसने लिखा है? ई बी वाइट ने। और ये क्यों इसमें शामिल किया गया है आपको मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया। जिसने नहीं देखी बच्चे पहले वो देख लो फिर उसके बाद ये देखना, ठीक है? टिल माई नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।